यूपी के जनपद कासगंज की सदर कोतवाली की हवालात में बंद एक युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक लड़की भगाने के आरोप में युवक को पूछताछ के लिए एक दिन पहले पुलिस ने उठाया था। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, तो वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिवार में भी कोहराम मचा हुआ है। वहीं एसपी ने लापरवाही के आरोप में एक इंस्पेक्टर सहित कोतवाली में तैनात 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि मामला कासगंज कोतवाली का है, जहां पुलिस ने कासगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव अहरौली के रहने वाले एक युवक अल्ताफ को एक लड़की भगाने के आरोप में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। बताया जाता है कि शाम को जब पुलिस अल्ताफ से पूछताछ कर रही थी, तभी उसे बाथरूम जाना पड़ा, जिस पर पुलिसकर्मी ने उसे हवालात के अंदर बने बाथरूम में भेज दिया। आरोप है कि इसी दौरान अपनी जैकेट के हुड यानी टोपे में लगी डोरी को पाइप में बांधकर युवक ने खुदकुशी करने की कोशिश की, और जब अभियुक्त बाहर नहीं निकला तो पुलिसकर्मी ने अंदर जाकर देखा तो उसने फांसी लगाई हुई थी। आनन फानन में पुलिसकर्मियों द्वारा अभियुक्त अल्ताफ को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में अल्ताफ के परिजनों का आरोप है कि उन्होंने अपने पुत्र को बीते दिनों पुलिस को सौंपा था, और आज पुलिसकर्मियों ने उसके पुत्र की फांसी लगाकर हत्या कर दी है। वहीं इस मामले में एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया कि कासगंज कोतवाली के गांव अहरौली के रहने वाले अल्ताफ को गांव की ही एक लड़की भगाने के आरोप में आज पूछताछ के लिए लाया गया था, जहां उसने हवालात के अंदर बने बाथरूम के अंदर अपनी जैकेट के हुड यानी टोपे में लगी डोरी को पाइप में बांधकर अपनी गले पर कस लिया था। वहां मौजूद कर्मचारियों द्वारा उक्त अभियुक्त के गले से डोरी खोलकर तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर कुछ देर उपचार होने के बाद उसकी मौत हो गई। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया लापरवाही बरतने के आरोप में कोतवाली में तैनात 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। भाई जब भी होश में नहीं हूँ, आज भी मेरे तबीयत ठीक नहीं है, मुझे मेरे इंसाफ मिल जाए वही बहुत है मेरे लिए। क्या लगता है आपको, बेटे ने आत्महत्या की थी या उसकी हत्या की गई है? ये हत्या की गई है, उस बच्चे की हत्या की गई है, वो बच्चा मेरे लिए इंसाफ दे, मुझे कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे लिए इंसाफ दें, बस ये मेरे लिए इंसाफ मिले। गलत है मैं तो, आपने आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और उस दिन भी मेरा दिमागी संतुलन में पूरा खो चुका हूँ। मेरा बच्चे की कोई मेरा बच्चा जा चुका हूँ, क्या करूँ। आपने बयान दिया था, वो कैसे दे दिया था फिर? कौन सा बयान आपने जो बयान दिया था पहले दिन, तो आपने कहा था उसकी हत्या की गई है, फिर आपने पुलिस को बयान दिया, पुलिस ने वीडियो जारी किया था, इसमें आपने कहा है कि नहीं उसने आत्महत्या कर ली है। उस टाइम तो डिप्रेशन में था वो, मुझे पता नहीं, मेरा होश होवास नहीं है, मुझसे तो बस सिर्फ जो जैसा बोल रहा था वैसा कर दिया मैंने, और मुझे कुछ नहीं पता। मेरा नाम फातिमा है। आप अल्ताफ की कौन है? अल्ताफ की माँ हूँ। उस टाइम मुझे तो होश नहीं था, मेरे आदमी को घेरे घेरे फिर रहे थे, जिस लोगों सब लोगों ने जो कह दी हो ऐसे कर दो वैसे ही कर दी होगा, मेरा आदमी इतना सीधा है, मैं तो आदमी वाली हूँ, मेरे मोहल्ले वाले भी कह देंगे कि उन्हें बोले बोल नहीं आते हैं, जो इंसान का जवान पट्टा गया हो बाकी तो होश ही गाबड़े होते हैं। अभी तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या बीती है, मैं अपनी बता रहा, अल्लाह मेरा आदमी से जैसे कहियो ही ऐसे ऐसे कर दो, जो हो गया ये बात वो बात वैसे ही कर दी होगी, वो तो इतनी पुलिस थी कि सबको ही देख के हफड़ी गाब हो गई होगी, अल्लाह मैं तो बेहोश पड़ी। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं इंसाफ मांगना चाहती हूँ, मुझे आप सब इंसाफ दिलवाओ या मेरा बच्चा वापस लाओ। क्या हुआ था मतलब? देखिए, कोतवाली कासगंज में एक 363-366 आईपीसी के एक प्रकरण के संदर्भ में एक व्यक्ति जिसका नाम अल्ताफ सनम चाहत मियाँ है, उसको थाने में अर्ली मॉर्निंग बुलाया गया था। उसने पूछताछ के दौरान वहां पे बैठे पुलिसकर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध ने किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है
उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। जब वो बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी अंदर चले गए और उसको बेहोशी की हालत में उसको उठाते न हुए उसको CHC अशोक नगर कासगंज में ले जाया गया। वहां पे न प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में न पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही में इस प्रकरण में जो जो पुलिस कर्मियों की लापरवाही इसमें है उनके खिलाफ एक सस्पेंशन का आदेश मेरे द्वारा किया गया है। 5 पुलिस कर्मियों को इसमें सस्पेंड किया जाएगा। वहीं पुलिस अभिरक्षा में हुई युवक की मौत के बाद से जनपद में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। बीती सुबह से ही मृतक के घर कई राजनीतिक दल के डेलीगेशन पहुंच रहे हैं। सुबह सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का 5 लोगों का डेलीगेशन मृतक परिवार से मिला और उन्हें सांत्वना भी दी थी। साथ ही सहावर नगर पंचायत चेयरमैन जाहिदा सुल्ताना ने मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी। इसके बाद दोपहर को कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल, कांग्रेस प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक, कांग्रेस नेता डॉली शर्मा सहित 5 लोगों की टीम अल्ताफ के परिवार से मिली और सहायता का पूर्ण आश्वासन दिया। मीडिया से बात करते हुए विवेक बंसल ने बताया कि घटना बहुत ही निंदनीय है। उत्तर प्रदेश में ये पहली घटना नहीं जो पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। इससे पहले भी आगरा में युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो चुकी है। विवेक बंसल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार की तानाशाही चल रही है। उन्होंने कहा अल्ताफ की मौत की CBI जांच होनी चाहिए। मृतक के पिता के बार बार बयान बदलने पर उन्होंने कहा पुलिस ने दबाव में लाकर पिता का बयान लिखवाया था। पिता उस समय अपने होशो हवास में नहीं था। कांग्रेस पार्टी अल्ताफ के परिजनों के साथ न्याय के लिए हमेशा खड़ी है और न्याय दिलाकर रहेगी। वहीं कांग्रेस नेता डॉली शर्मा ने कहा कि प्रदेश में ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। प्रदेश में गुंडाराज बना हुआ है। प्रदेश सरकार के मुखिया को अल्ताफ के घर आकर देखना चाहिए कि उसका परिवार इतनी मुसीबत में है। आपसे परिवार से बात हुई, आपके बताइए। देखिए हम लोगों को आदरणीय प्रियंका गांधी जी को जैसे ही इसका संज्ञान में लिया गया उन्होंने हमें अवलंब यहाँ भेजा है और जितने हमारे प्रतिनिधि मंडल के लोग आए हैं उन्होंने यहाँ परिवार से जाके खुद अपने आप संज्ञान लिया और माता पिता से बात की। माता और पिता दोनों मूर्छित अवस्था में, आधा होश है आधा जो सदमा है स्वाभाविक है। वो इस घर का अकेला एक जिसे कहते जराया था घर के की रोजी रोटी का और जवान बच्चा था उस जो बहुत माता पिता की अपनी अपेक्षाएं होती हैं आशाएं होती हैं जवान बेटे से एकदम अकस्मात आदमी बीमारी से जाए या किसी उससे जाए तो आदमी बर्दाश्त कर लेता है पर लेकिन जिस तरीके से उसे गया लेके गई पुलिस उन्होंने कभी कल्पना तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि उसके उनको उसके बच्चे की लाश देखने को मिलेगी। तो आप उनका सदमा समझ सकते हैं और आज जो कष्ट है वो समझ सकते हैं, वो पीड़ा है उनकी। और हम तो यही कहेंगे कि जो दोषी हैं पूरी तरीके से उस पर CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी चाहे बात किसी के कितने बड़े हाथ हो कानून के शिकंजे से बाहर नहीं होनी चाहिए। हम पूरी तरीके से हम इस परिवार के साथ हैं। जब तक हत्यारों को सजा नहीं मिल जाती, जब तक जो लोग इसके दोषी हैं लोग इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे हम सिर्फ इतना ही कह सकते। बड़ा सवाल है खाने के हवालात में मौत हुई है एक व्यक्ति की, बड़ा सवाल है किस तरह देखते हैं आप? देखिए कस्टोडियल डेथ तो आए दिन हो रही है। अभी आपने देखा आगरे में वाल्मीकि समाज के व्यक्ति की जिस तरीके से मृत्यु हुई, अरुण की जिस तरीके से हुई, लखीमपुर एक जीता जागता उदाहरण है कि मंत्री का बेटा किस तरीके से रौंदता है जैसे कि कीड़े मकोड़ों को जैसे रौंद रहा हो, आदमियों को रौंद रहा है। और कल जो आई है फॉरेंसिक की रिपोर्ट, जो लोग वैसे भी जो किसान जो लोग सिविल मारे गए हैं वो भी उनकी गोली से उन्हीं की गोली चली है। सरकार क्या कर रही है फिर? सरकार से तो ये तो प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछे जो एक पुलिस शासन बना दिया है, एक शासन जिसमें कोई आदमी आवाज नहीं उठा सकता है। लोकतंत्र हमने भी देखा है, हमने भी राजनीति की है, पहले भी देखा है। आज जैसा जो अधिनायकवाद कहिए या तानाशाही वो कभी हमने नहीं देखी है। पूरा शासन प्रशासन जिसको चाहता है उसकी आवाज़ दबा देता है। फोन अगर उसने कुछ आवाज़ उठाने की कोशिश की तो इलाके का कोतवाल इलाके का SP के पास का फोन आ जाता है कि अगर तुमने जरा सी भी कुछ की या नहीं तो फिर ED का इनके पास वो है
ईडी एक माध्यम है, सब इन्होंने अपने माध्यम बना रखे हैं कि आदमी की आवाज ना निकले, आदमी को पीटो भी और फिर रोने ना दो, ये इनकी बात है। देखिए अल्ताफ की माँ रो रो कर कह रही है कि मेरे बच्चा बेगुनाह है और मेरे बच्चे को इस प्रशासन ने मारा है। उनको उनके बच्चे को 7 बजे यहाँ से उठा कर ले गए, आज पड़ोस गवाह है कि शाम को 7 बजे उठा कर ले गए और पड़ोसियों को धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने साथ दिया तो आपको भी उठा लेंगे। आज 2.5 इंच की टोटी पर कौन फंदा लगा पाता है, साफ साफ सामने दिख रहा है। पिता को बॉडी देने के लिए कि तुम अंगूठा लगाओ तब तुम्हें बेटे का शव मिलेगा, इस तरीके से कब से होने लगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को आज अपराध प्रदेश बना दिया है योगी सरकार ने। आज पुलिस कस्टडी में नौजवान बच्चे मारे जा रहे हैं, आप कोई जगह उठा लीजिए, खुले आम लोगों को ये मार रहे हैं। किस तरीके का आज उत्तर प्रदेश को तब्दील किस चीज में कर दिया है इन्होंने, ये उत्तर प्रदेश है। इतना बुरा उत्तर प्रदेश के किसी कार्यकाल में हमने इतना बुरा नहीं देखा, जहाँ ठोको नीति चल रही है, जहाँ गला दबाव नीति चल रही है, जहाँ पुलिस FIR नहीं लिखती, बलात्कार होता है बच्ची का उसे अपने आप को आग लगानी पड़ती है। उत्तर प्रदेश आज जिस तरीके के शासन को झेल रहा है ऐसा उत्तर प्रदेश ने कभी नहीं झेला। अगर योगी सरकार को असलियत देखनी है उन बड़े बड़े पोस्टरों से निकल कर, तो आके यहाँ मिले, आए यहाँ कासगंज और मिले इस बच्चे की माँ से जो आज हर 2 मिनट में दौरा पड़ रहा है, चीखते बाप की पीड़ा सुने, जाए आगरा सुनकर आए अरुण वाल्मीकि और उस दूसरे परिवार की पीड़ा, किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने उनके उन बच्चों को क्रूरता से मार दिया। आज आप ये कह के ले जाते हो कि पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं और बच्चा मर के निकलता है। आज उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ने हम सबको यहाँ भेजा और हम इस परिवार से मिलकर आस पड़ोस से भी हमने बात की और भी लोगों से हमने पूछा, सबने हमें बताया कि बच्चा बेहद शरीफ था, उसका कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। इस तरीके से आपने उसे उठाया और निर्मम, ये मैं कहूँगी हत्या की है और पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए 302। टाइम 24 न्यूज के लिए कासगंज से विवेक रॉय की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।